यार सत्यानाश हो गए यार, हम लोग सिगरेट से बीड़ी पे आ गए। अरे अगर विजय मिल जात ना तो सारा कष्ट दूर हो यार। अरे अपन दोस्त विजय, अरे कहवा रुका, कहवा हुआ यार, कब से तुमका ढूंढ ढूंढ के परेशान होल बाटी। हम भैया के साथे काम काज में लग गई ली। इतना गांधी जी का उतार हो गए भाई, अब अपन ऐश कैसे हुई सोच। यार तू फिकर मत कर, हमारे दिमाग में ना एक ठो आइडिया बा। कैसे ना आइडिया? जिससे ना ये विजय है ना सीधे रास्ते पे आ जाइए। कहा बात कर, तब मिला हाथ। एक ठो बात कहे। बोला ना एक ठो का, आज तो जितना चाहा उतना बात कहिला। कहा दरअसल बात यह है कि अब हम तो उसे एक पल भी दूर नहीं रह सकीला। अगर हम सच कहीं तो तोहरे बगैर हम हूं ना जी सकीला, हर पल तोहार याद में डूबल रहीला। बस अब तो सब कुछ तोहरे हाथ में बा, अपने भैया भाभी से बात करा ना जल्दी से। हाँ रजनी, अब जितना जल्दी हो सकी हम अपने भैया भाभी के तोहरे बाबूजी के पास भेज देबे। हम तोहार और तोहार भैया भाभी के अइले के इंतजार करबे। अच्छा बच्चू, तो यहाँ रंगरेलिया मनावल जात बा। पाला इस सरकार के आजी गरीब के कैसे याद कैली माय बाप। हमें तो से शिकायत बा लखुआ। शिकायत मगर सरकार हमसे ऐसा कौन सी गलती हो गई बा? गलती जरूर भाई है, मगर हमें कसूर सिर्फ तोर ही नहीं हमरो भी बा। आपन घर बसावले के विषय में कबो तो के बताइबे ना। तो एकर मतलब है कि सरकार आदि के बात करत पाटन अपनी। तू तो जानत है लखुआ, आज तक हमें कोनो लड़की पसंद ना आई। बात तो है। अब एक थी आई लिया पसंद, एली हम तो के याद कहली। तब मालिक हुकम करी, अता पता बतायूं लड़की के करे अभी जाइब काम मुखिया जी। लखुआ तू अपने लच्छेदार बातन के ऐसन चक्कर चला दे कि लड़की वाले इनकार ही न कर सके। अरे मुखिया जी ऐसा चक्कर चलाइब न की तो हम तंग रह जाइबा। वाह जानत हूं लखुआ, अच्छी तरह जानत हूं। अब तक तू जौन कुछ भी कहले वो सब जानत है, मगर अब तो हमरे विषय में का कर सकी हो यही जानना बाकी है। अरे मालिक हमें जाने के काब, हम तो ये जानत बाटे कि जौन भी लड़की ये हवेली में आई महारानी बन के राज करी, नोटवन पर सोई, हीरा मोती में खेली। बस आप होए वाली महारानी के नाम बता दा। मास्टर दीनानाथ का बेटी रजनी नाम है ओकर। दीनानाथ की बिटिया रजनी? ये तो हमारा सौभाग्य हो ठाकुराइन बहन कि तुम हमरे घर आई लू, पर तू तो हमके बड़े दुविधा में डाल दी लू। देखी ठाकुराइन जी, बेटी तो पराया धन होली, हमें बेटी के एक ना एक दिन तब विदा कर ही के बाद और तो हरे घरे गले से हमार गौरव बढ़ी ना। लेकिन ठाकुराइन जी विजय बाबू का चाल चलन कुछ ठीक बुरा ना मनी है तारा बहन, लेकिन विजय बिटवा के बारे में इतना बहुत कुछ सुन रखा हो कि हम मानत हूँ कि विजय बहुत शरारती रहा, बुरी संगत में बिगड़ गयो रहा, लेकिन आजकल वो बहुत सुधर गयो है। अपने भाई के कामकाज में हाथ बटावत हो, मंडी में जाए के अनाज बेचत और खरीदता हो, बड़ी लगन और ईमानदारी से काम करत हो, एक एक पाई के हिसाब अपने भैया को देत हो। मेहरबानी कह के ये रिश्ता से इनकार मत करा मास्टर जी, अब वो बहुत सुधर गयो है। ठाकुराइन जी ये बात तो ठीक हो कि अब वो सुधर गया, लेकिन कौन जाने क्यों फिर से पहली वाली हरकत शुरू कर दे। हमने विजय को अपने कोख से जन्म ना ही दियो है, ना ही आपन दूध पिलायो है, लेकिन एक जन्म देने वाली माँ से बढ़ के पालन पोषण कैली ओह का, हमरे गोद में खेल के वो जवान भवा हो, ओह की जिम्मेदारी हम लेत मास्टर जी। हम आप सबके वचन देते
कि अब अगर विजय कोनो गलत काम करी है ना तो हम उनका मुंह ना ही देखबे। ठीक बात ठाकुरान जी, बात पक्की हो गई, हम ठाकुर साहब से मिलकर लगन का मुहूर्त निकलवा ले। बहुत बहुत बधाई होवे। आपके भी बधाई हो ठाकुरान जी, बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया मास्टर जी। मास्टर जी। अरे लखू। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते, कहाँ जात बाटा? जात नहीं बाटी, आवत बाटी। आप ऐसे कह रहे? हमारे घर आवत रहा। अरे भाई घर में जोन कह रहा यही बोलता ना। यही बोल दे। हाँ। कहा ना कि हम ठाकुर रिद्वीर सिंह के रिश्ता लेके आल बाटी आपकी बिट्टी रजनी के लिए, आपकी बिटिया राज के राज। आपको तो पता है ना कि अपने ठाकुर साहब कांदानी रज बाटन कौनो बात के कमी ना हो दिए ना। लखू तू बहुत देर कह दहला, हम अपने बिटिया का रिश्ता ठाकुर हरिश्चंद्र के छोटे भाई विजय सिंह के साथ तय कर दिया। मास्टर जी हाँ। हम देर कर दिया ली और तू जल्दी कर दिया ला, सब बराबर। अरे हम तो मजाक करता नहीं, लेकिन तेरे सोच बिटिया के हाँ जागत हो, दामाद करोड़पति मिलत हो तो का अंतर पड़ा था, तोड़ दावे रिश्ता। मास्टर की बात कर लखू। अरे मास्टर जी तनिक सोचा ठंडे दिमाग से, रिश्ता भैले के बाद तो मरा माल हो जाएगा, पैसा वाला हो जाएगा, तुआर माली हालत सुधर जाएगी। होश में रह के बात करा लखू। बेटी का रिश्ता जौन घर में तय कर दिया जाला, वो घर के पानी भी पियल हराम समझा जाला। क्या पुराना जमाना का बात लेके बैठ गया तो हूँ? वैसे ठाकुर जी कह लेना कि हम तो आराम में राजी करके लौटी। हाँ बहुत हुई गवा लखू, अब तू अपन बकवास बंद कर और जाए के अपने युद्धवीर सिंह से कह दियो। कह दे यही कह दियो कि नाजो से पली अपने बेटी 20 साल के रजनी का वह 50 साल के बुढ़ो के साथ है, हम शादी कब होना कर सकते। हम तो कह दे मगर याद रखिया कि ठाकुर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी। जा बोल दे अपने युद्धवीर सिंह से। सोच ला जा जा जाता नहीं। हाँ बेवकूफ नलायक कहीं का। अरे सरकार मास्टर का बच्चा तो ना कह दिया ला। का बकवास करता है नालायक? नालायक बकवास नहीं, सही बात करे था सरकार। हम तो के काम बनाए के लिए भेजे रही, बिगाड़े के लिए नहीं। हम तो के कब माफ ना करब? कहीं नहीं करबा। मार का कुसूर बा, जब मास्टर ने मना कर दिया तो हम क्या कर सकते काम? मुखिया जी चुल्ले भर पानी में डूब मर। अब कौन ऐसा तरकीब सोच कि सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। तरकीब तो बस सरकार, अगर मुखिया हमारे साथ दे तो। हमरे ईमानदारी पे शक जिन करा लखू, हम ठाकुर युद्धवीर सिंह के लिए अपन जान भी दे सकीला। ऐसी बात तो ना, अगर यू हो गवा ना तो बन जाए ठाकुर साहब पे काम। हो जाए जरूर हो जाए, और ये दफा जरूर कामयाबी हो ठाकुर साहब। काहे की शराब और शबाब ओकर पुरान कमजोरी हवे। अच्छा भाई कि तू हमें मिल गई पारो। वरना ये गांव में तो हमार क्यों सहेली भी ना रहे। अब तो हसे ढेर सारी बतिया कर सकत है, दिल की बतिया भी कह सकीला। रजनी तू कितनी अच्छी हो। अच्छा तू भी तो कितना अच्छी बाटू पारो। अच्छा पारो तू ऐसा ड्रेस जीन पहना करा। तू कल हमरे घरे आई है, हम तो है एक तो प्यारा सा सूट देबे। सच्ची हमार भी ऐसा कपड़ा पहने के मन कर रहा। अच्छा कल हमरे घर में जागरण बा और कल तू हमरे घर आई है और तो है हम एक तो प्यारा सा सूट पहनाएबे, फिर देखिया तू भी हमरे जैसन लगबू। बुआ जी दूध पीला। ढोंगी अब एक का बंद करा। ईला दूध और दवाई खाई ना भूलिया। जी भाभी। हमारी दुलारी भाभी। Thank you.
भाई मजा। हरीशचंद्र उठा। कबा तो बुआ। अरे जाए कि अपनी आँखें से देखा तो हर सती सावित्री आधी रात में का गुल खिलावे गई हो। का बात करत हो बुआ? अरे का बात करत हूँ, जाए कि देख ला अपनी आँखन से। अरे पारो तू, तू रजनी के बातों में का करत बाटू? और बेशर्मी के भी कोनो हद बाकी नहीं। बेशर्मी कैसी, हम तो उसे प्यार करीला। प्यार? अरे तू डाका डारत बाटू, डाका अपने सहेली के प्यार पे। जाऊंग और प्यार माँ सब जाए जाओ। यहाँ भी बिस्तर खाली बा। तसल्ली, केहू पर इल्जाम लगावले से पहले सोच लिया करा बुआ। हमके मालूम हो कि तारा कहां गई ली, लेकिन कहे गई है ये हमको मालूम करना है। और आके आते ही सब मालूम हो जाए, आज झूठ नहीं बोल सकत। कहे कि हम ओके चप्पल उठाए लाए हूँ सबूत के तौर पे। तो बेटा हमरे ऊपर काहे बिगड़त बाटा? हम तो घर के मान मर्यादा के ध्यान में रखी के बात करत बाटी। इतना राती के बहू बेटी घर से बाहर नहीं जाते है, और ई बात भूल गईला रावण घर सीता रहलिन ता अग्नि परीक्षा लिहले के बाद भी श्री रामचंद्र जी उनके वनवास पर छोड़ दियो रहलन। हाँ। आज पहली बार तारा हमका धोखा दे ले। जागी नहीं था का करी, एक अच्छा घराना की बहू बेटी अगर रात भर घर से बाहर रही है तो उनके पति का हाल का होई, अब तो ही बतावा। इतनी बड़ी परेशानी माँ हम कैसे सोच सका था? हम तो मास्टर दीना नाथ जी के यहाँ माता के जागरण में गल रही। काश इस सारी पतिया हमके बताए के गई हो, तू नहीं जाने लू कि हम तोहे कितना चाहेला। जबले हम तोहे अपने आंख से देख नहीं लेत हूं तबले हमके और हमरे आंखन के चैन नहीं मिलत। हमके माफ कर दे रउआ, इतनी राती के हमके हवेली के बाहर गईले के इजाजत नहीं देती। यह सोच के हम रउआ के नहीं बतावली, हम विजय के सुधर ले खातिर दुर्गा माता के नारियल और चुन्नी चढ़ावे के मन्नत माने रहली। हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमके माफ कर दी है, हमके माफ कर दी है। उठा तारा। हम जानत हैं कि हमार तारा कभी गलती नहीं कर सकेले। याद रखिया तारा, हमसे छिपाई के कौनो काम जिन कर यहां हम वचन दे दें। तारा पंडित जी, जब मुहूर्त सबसे अच्छा और शुभ होवे वही मुहूर्त पर हमें शादी करे के बा। काहू मास्टर दीनानाथ जी, तहू तो कुछ ऐसे ही चाहत रहला ना? हाँ पंडित जी, हम ठाकुर साहब के बातन से पूरी तरह सहमत बाटी। बस लड़कियन के शादी जितना जल्दी हो जाए हमें अपने जिम्मेदारी से उतना जल्दी छुटकारा मिल जाए। बुध मंगल शनि हाँ तो ठाकुर साहब, वैसे तो होली के जाते ही एक कम तीज भी शुभ मुहूर्त बा, लेकिन 21 और 27 के भी बहुत बढ़िया मुहूर्त है। अब जौन भी आपके पसंद आवे वो दिन शादी रख ली जाए अम्बे माँ के आशीर्वाद लेके। हमारे ख्याल से 27 तारीख ठीक रही, कारण कि दिन भी गुरुवार हो
और तैयारी करके कुछ समय भी मिल जाए। का ठाकुर साहब, हमें कोनो ऐतराज नहीं, 27 ही पक्की कर लीन जाए। ठीक हो जजमान, तो 27 पक्की रही, बाकी हम चूल्हा चौकी हरदी के समय निकाल के अभी भेज देवाए। अब हमें आज्ञा दा। ठीक है पंडित जी, इला अपन मुहूर्त निकल लेके दक्षिणा। हाँ। बाल बच्चन के आशीर्वाद दिया, चिरायु रहा, यश बाढ़े, भंडार भरा रहे। अब हमके भी आज्ञा दे ठाकुर साहब, हम घर जाके एक खुशखबरी रजनी के माए के देते हैं। जरूर जरूर, काहे नहीं। अच्छा मास्टर जी, नमस्कार। नमस्कार। पाए लागू ठाकुर साहब। अरे अब आवा सर जी, हम तुम्हारी रास्ता देखत रह ली। बैठा। आप हमके याद कहली मालिक, हुकुम माई बाप, हम आपके कहा सेवा कर सकीला। देखो सरजू, तारा और रत्ना की असलियत का हो ये तू भी जानत हो और हम भी जानत हैं। हमके जात समाज गांव बिरादरी के कोनो परवाह नहीं बा, जौन भगवान के मंजूर रहल वो भइल। अब सच्चाई ये हो कि तू हमार साडू भाई हवा। ठाकुर साहब, आप तो हमार अन्नदाता हैं, मालिक हैं, हम तो आपके पाँव के धूल बाटी। सरकार आपके मान मर्यादा पे कोनो आँच ना आवे, इसलिए आज ही हम अपने पूरे परिवार के साथ ये गांव छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा ठाकुर साहब। अरे ये तू का कहत बाटा सरजू, हम तो एक गांव से निकारे खाते नहीं बुलाए बाटी, हम तो तुहे यही सोच के बुलावली कि हमार एक बाजू विजय हो और दूसरा बाजू भगवान ने तुहे बना दियो, और तू गांव छोड़ के गैले की बात करत बाटा। नहीं सरजू नहीं, तू गांव छोड़ के गैले के बजाय आज से हमार सब खेत खलिहान संभारा और मजदूरन से काम करावा, और हाँ आज से ही तो हमका ठाकुर साहब, मालिक, बाबू साहब, सरकार ये सब कहल छोड़ी दा। अरे तू तो हमार साड़ू भाई हवा, हमके भैया कहा। अरे अरे इका करत हो, आप सचमुच बहुत महान है भैया, आपके हृदय कितना विशाल बा। शादी के बाद। शादी के तो अभी 2 दिन बाकी हो। 2 दिन बाकी बा, अच्छी बात बा। सुना है हमने कि इंतजार का फल बहुत ही मीठा होत है। मगर ये 2 दिन तक हम अपने दिल के कैसे समर्पे? जी ले बा, हमरे याद के सहारे। अब हमें जाए दो, शाम हो गई, हमके देर हो जाए, जात हैं।